इस वीडियो में हम लोग फेरांटी इफेक्ट के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि यह इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्यों आकर होता है। जब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीविंग स्टेशन पे जो रिसीविंग वोल्टेज रहता है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सेंडिंग वोल्टेज। तो जिस इफेक्ट के कारण वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो जाता है उस इफेक्ट को फेरांटी इफेक्ट बोला जाता है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सके। क्या होता है कि जब पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो दो कंडक्टर के बीच में इमेजिनरी कैपेसिटर फॉर्म होता है। वहाँ पर दो कंडक्टर और दोनों कंडक्टर के बीच में जो गैप रहता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। तो इस तरह से दो मेटालिक कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम तीनों मिलकर एक कैपेसिटर फॉर्म करता है जो कि इमेजिनरी रहता है। जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पर भी जब इमेजिनरी कैपेसिटर बनता है तो ओवरहेड कंडक्टर से ट्रांसमिट होने वाले करंट का वहाँ पर ड्रॉप होता है, कुछ करंट इमेजिनरी कैपेसिटर में ड्रॉप करता है जिसके कारण करंट का कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। एज वी नो जब करंट डिक्रीज होगा तो उसके कारण वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटर फॉर्म होने का दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। टावर के पास जो इंसुलेटर आता है तो इंसुलेटर्स का जो प्लेट रहता है मेटालिक रॉड के साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि इंसुलेटर के साथ जो मेटल अटैच है और जो टावर है, टावर यहाँ पर जो है वो भी मेटल का बना हुआ रहता है, स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर वो मेटल का बना हुआ रहता है। तो दो ठो मेटल और उसके बीच में जो एयर गैप रहता है, दोनों मेटल के बीच में जो एयर गैप रहता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर बन जाता है जहाँ पर चार्ज स्टोर होता है, करंट का वहाँ पे ड्रॉप होता है। और जब करंट का ड्रॉप होता है तो उसके कारण करंट रिड्यूस होता है, और जब करंट रिड्यूस होता है तो उसके कारण वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है कि इमेजिनरी कैपेसिटर फॉर्म होता है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस के कारण फेरांटी इफेक्ट अकर होता है। इसके कारण ट्रांसमिशन लाइन में करंट का ड्रॉप होता है, इसलिए वहाँ पर पावर लॉस होता है। तो इसको एक टाइप का इफेक्ट बोला जाता है, दैट इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट। इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए रिसीविंग स्टेशन पे मेन लाइन और न्यूट्रल लाइन के बीच में संट रिएक्टर को कनेक्ट करते हैं जो कि कैपेसिटिव करंट को कंपनसेट करता है जिसके कारण फेरांटी इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर तक रहता है तो उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। जब कंडक्टर का लेंथ 80 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होता है तो उसको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। जब ओवरहेड कंडक्टर का लेंथ 250 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये तीनों फैक्टर जो है वो एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है वो सीरीज में रहता है और जो कैपेसिटेंस होता है वो पैरेलल में रहता है जिसके कारण कंडक्टर में पावर लॉस होता है। फेरांटी इफेक्ट में कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हैं क्योंकि हाई कैपेसिटेंस होने के कारण फेरांटी इफेक्ट अकर होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है जिसमें कि हम लोग देखेंगे फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। फेरांटी इफेक्ट आपका हेडिंग है, फेरांटी इफेक्ट इन पावर ट्रांसमिशन लाइन। क्या होता है फेरांटी इफेक्ट, कहाँ अकर्स होता है, इसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वो सारे के बारे में देखना है, इसका थ्योरी क्या क्या, ठीक है। तो फेरांटी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1890 में एक तरह का रिसर्च किया। वह रिसर्च पे अपना उन्होंने थेसिस दिया कि जब हमारा जो ट्रांसमिशंस लाइन है, ट्रांसमिशंस लाइन हमारा तीन तरह का होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशंस लाइन, मीडियम ट्रांसमिशंस लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशंस लाइन। आगे के लेक्चर्स में आते हैं तो बताएंगे कि शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग को किस कैटेगरी के आधार पर डिवाइड किया गया है, कि हम उसको शॉर्ट बोलेंगे, हम उसको मीडियम बोलेंगे, हम उसको लॉन्ग बोलेंगे। तो फेरांटी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशंस लाइन पे स्टडी किया, रिसर्च किया, और उन्होंने वहाँ पाया कि जब हमारा लाइन ओपन है, मतलब कि लोड एंड पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है। जब हमारा लाइन ओपन है डैट मीन्स कि लोड एंड पे किसी भी तरह का लोड कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेंडिंग एंड से वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में या तो लोड ओपन है या हमारा लाइटली लोडेड सिस्टम है, तो उस कंडीशंस में चूँकि हम यहाँ से वोल्टेज सेंड कर रहे हैं और वहाँ वोल्टेज लोड एंड पे रिसीव होगा, तो ऑब्वियसली है लाइन में कुछ ड्रॉप होगा, तो सेंडिंग इन का वोल्टेज बड़ा होगा और रिसीविंग इन का वोल्टेज छोटा होगा, ठीक है। यह हमारा एक बेसिक फिनोमेनन है कि सेंडिंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन रिसीविंग इन वोल्टेज। लेकिन इन्होंने जो रिसर्च किया उसमें दो कंडीशंस था। कंडीशंस क्या था कि लाइन हमारा आइदर ओपन हो या लाइन हमारा आइदर लाइटली लोडेड हो, मतलब कि हल्का लोडिंग दिया गया है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में सेंडिंग इन का वोल्टेज कम हो जाता है, रिसीविंग इन का वोल्टेज बड़ा हो जाता है, ठीक है। सेंडिंग इन का वोल्टेज कम जाता है, रिसीविंग इन का वोल्टेज बड़ा हो जाता है। सेंडिंग इन का वोल्टेज कम जाता है, ऐसा नहीं कि हम 12 बोल दिए तो 11 बोल जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कि इसका बेसिक एजम्पशंस हमारा क्या है, व्हेन द लाइन इज लाइटली लोडेड और ओपन सर्किट देन रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज, तो इसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। लेकिन इसके साथ कंडीशंस क्या है, लाइन हमारा आइदर ओपन सर्किट हो या आइदर लाइटली लोडेड हो, तभी जाकर सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है, किससे, सेंडिंग इन वोल्टेज। इसका डेरिवेशन से आगे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि हाउ द रिसीविंग इन वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज ड्यू टू फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देता है कि VR जो रिसीविंग इन वोल्टेज है इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ, कौन इफेक्ट के कारण हमारा वोल्टेज या किसने यह इफेक्ट दिया था, तो फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। फेरांटी इफेक्ट कब अकर्स करता है, लाइन हमारा लाइटली लोडेड हो या लाइन हमारा ओपन सर्किट हो, क्लियर है। तो फेरांटी इफेक्ट का कारण ही है, काउज ही है कि VR इज ग्रेटर देन VS, वोल्टेज एट रिसीविंग इट इज ग्रेटर देन सेंडिंग इट, वन कंडीशंस, लाइन इज आइदर ओपन सर्किट या लाइन इज आइदर लाइटली लोडेड कंडीशंस, क्लियर है। तो अब देखते हैं हमारा थ्योरी क्या क्या है। तो देखिए फेरांटी इफेक्ट, तो व्हेन लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशंस लाइन इज ऑपरेटिंग अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशंस, जब हमारा यह देखिएगा व्हेन लॉन्ग, या तो लॉन्ग ट्रांसमिशंस लाइन है या मीडियम ट्रांसमिशंस लाइन, ठीक है, लॉन्ग रहे या मीडियम, शॉर्ट में फेरांटी इफेक्ट नेग्लिजेबल रहता है, ठीक है। लॉन्ग या मीडियम ट्रांसमिशंस लाइन ऑपरेटिंग अंडर नो लोड, या तो नो लोड पे है या लाइट लोड पे है, लाइट लोड कंडीशंस, द रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन वोल्टेज को हम लोग VR के टर्म से बोलते हैं, बिकम्स ग्रेटर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज को हम लोग VS से डिनोट करते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट, और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट। मतलब कि जब हमारा लाइन लाइटली, जब हमारा मीडियम ट्रांसमिशंस लाइन हो या लॉन्ग ट्रांसमिशंस लाइन हो, उस कंडीशंस में VR का वैल्यू बड़ा हो जाता है VS से अंडर नो लोड कंडीशंस या लाइटली लोड कंडीशंस, देन दैट फिनोमेनन इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट ऑफ द ट्रांसमिशंस लाइन।
नेक्स्ट है यूजुअली द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। चूँकि लाइन में जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा होता है और एक्सी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सी हमारा किसके किसके बीच में आता है, लाइन टू लाइन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस किसके किसके बीच में फॉर्म होता है, लाइन टू लाइन या लाइन टू ग्राउंड। लेकिन इंडक्टेंस हमारा हुआ तीनों फेज का अपना प्रॉपर्टी है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू किसी भी सिस्टम में ज़्यादा होता है कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जनरली हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूजुअली द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। देयरफोर अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द लाइन करेंट इज ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। यूजुअली कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। देयरफोर अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द लाइन करेंट इज ऑफ द लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए जनरली जो हमारा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा नो लोड और लाइट लोड कंडीशंस में जो पावर फैक्टर प्रोड्यूस्ड होता है या पावर फैक्टर जो डेवलप्ड होता है वह लीडिंग नेचर का होता है। और हम लोग जानते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर किस में किसके कारण आता है, लीडिंग पावर फैक्टर हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण आता है, ठीक है, कैपेसिटेंस वैल्यू के कारण हमारा लीडिंग पावर फैक्टर आता है। द चार्जिंग करंट प्रोड्यूसेस ड्रॉप इन द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन विच इज इन द फेज ऑपोजिशंस टू द रिसीविंग इन वोल्टेज, हेंस द रिसीविंग इन वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज। अब जो यह हमारा कैपेसिटेंस आएगा, यह हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, इस कैपेसिटेंस में एक चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यह चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, यह चार्जिंग। और जब नो लोड पे रहेगा, यह सिस्टम हमारा नो लोड पे रहेगा, तो इधर जो करंट लाइन में करंट आएगा वह करंट का वैल्यू बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो वह जो चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, द चार्जिंग करंट प्रोड्यूसेस ड्रॉप इन द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, यही चार्जिंग करंट के कारण यहाँ जो रिएक्टेंस बन रहा है इसमें ड्रॉप प्रोड्यूस्ड होगा, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन विच इज इन द फेज ऑपोजिशंस टू द फेज ऑपोजिशंस, मतलब कि जो रिसीविंग इन का फेज होगा उसके अपोजिट फेज में हमारा कौन होगा, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वह फेज। आगे डेरिवेशंस में आते हैं, ठीक है, फेज ऑपोजिशंस टू द रिसीविंग इन वोल्टेज, हेंस रिसीविंग इन वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज। और इसी के कारण देखो जैसे कि होता है यहाँ नो लोड हो गया, तो नो लोड पे यहाँ जो VR आएगा रिसीविंग इन वोल्टेज, यह रिसीविंग इन वोल्टेज और यहाँ का जो ड्रॉप रिएक्टेंस का ड्रॉप, यह दोनों फेज ऑपोजिशंस में होगा, और इसी फेज ऑपोजिशंस के कारण हमारा VR का वैल्यू बड़ा हो जाता है VS से, और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यह कंडीशंस हमारा कब डेवलप्ड होगा, जब हमारा लाइन आइदर ओपन सर्किट हो या लाइटली लोडेड कंडीशंस एग्जिस्ट हो, ठीक है। इन 1819 सर SZ फेरांटी कम अप विथ अ थ्योरी अबाउट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन सजेस्टिंग दैट इन केस ऑफ लाइट लोडिंग और नो लोडिंग ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम द रिसीविंग इन वोल्टेज ऑफ्टन इंक्रीजेज बियॉन्ड द सेंडिंग इन वोल्टेज। मतलब कि बोल रहा है 1890 में SZ फेरांटी साहब ने एक थ्योरी के साथ आए जिन्होंने बताया कि हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब हमारा नो लोड कंडीशंस हो और लाइट लोड कंडीशंस हो तो उस केस में चार्जिंग करंट के कारण वोल्टेज एट रिसीविंग इन इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट। अपने नाम पे हुआ इफेक्ट दे दी, ठीक है। वी नो डैट फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम करंट फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो। लेकिन आप कहोगे सर इधर बड़ा हो गया इधर छोटा हो गया तो इधर से आने लगेगा, नहीं, ठीक है। यह DC सर्किट के लिए होता है हाई से लो, जनरली DC सर्किट के लिए। लेकिन हमारा ट्रांसमिशन लाइन में भी सेंडिंग इन का वैल्यू ज़्यादा ही होता है रिसीविंग इन से। लेकिन यह एक सर्टेन केस है, यह एक कंडीशंस है कि इस कंडीशंस में ऐसा होता है, पर्टिकुलरली हमारे नो लोड सिस्टम में चार्जिंग करंट के कारण रिसीविंग इन का वैल्यू बड़ा हो जाता है सेंडिंग इन से। इन ऑल प्रैक्टिकल केसेस द सेंडिंग इन वोल्टेज इज हायर देन द रिसीविंग इन वोल्टेज, सो करंट फ्लो फ्रॉम द सोर्स और सप्लाई एंड टू द लोड। लेकिन यह हमारा एक तरह से इस तरह का रिसर्च किया गया, ऐसा हम लोग करते नहीं है कि हाँ नो लोड पे है तो रिसीविंग इन का वोल्टेज बढ़ा दो, ठीक है।
ऑल प्रैक्टिकल केसेस, सपोज डैट यह हमारा लाइन है, लाइन पे यहाँ सेंडिंग इन वोल्टेज VS है, यहाँ पर रिसीविंग इन वोल्टेज VR है, यहाँ हमारा कैपेसिटेंस लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस बनेगा, इसमें हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। तो इन ऑल प्रैक्टिकल केसेस द सेंडिंग इन वोल्टेज, मतलब कि जितना भी प्रैक्टिकल केसेस होगा उस कंडीशंस में सेंडिंग इन वोल्टेज का वैल्यू रिसीविंग इन वोल्टेज से क्या होगा, बड़ा होगा, तब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में सेंडिंग इन से निकला और रिसीविंग सोर्स टू कह सकते हो, सोर्स टू इस कंडीशंस में हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स टू लोड। तो यह हमारा एक सर्टेन लोडिंग पे है जब हम लोग लोड दे दिए, लेकिन जब नो लोड के केस पे आएगा तो उस कंडीशंस में रिसीविंग इन का वोल्टेज बड़ा हो जाएगा किससे, सेंडिंग इन से, ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हाउ द सेंडिंग इन वोल्टेज इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करता है। यह तो थ्योरी था, अभी अब जो हमारा है फेरांटी इफेक्ट का डेरिवेशंस है, ठीक है। तो देखिए डेरिवेशंस, यहाँ पर एक लाइन डिजाइन किया गया है नॉमिनल पाई मेथड का, आगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में जब आएंगे तो हम बताएंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है SDT, MDT, LDT। SDT मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन, MDT मतलब कि मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन, और LDT मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। फिर से सुनिए, SDT हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन, MDT हमारा मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन, और LDT हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। सबको लेंथ के आधार पर बांटा गया है। तो जब हमारा 0 से 50 रहेगा, 50 किलोमीटर, तो 100 SDT कहलाएगा, शॉर्ट वोल्टेज का लेवल 20 किलो वोल्ट है। जब हमारा MDT रहेगा मीडियम डिस्टेंस, तो 50 से 150 किलोमीटर, वोल्टेज अप टू 2 से 100 किलो वोल्ट, और MDT रहेगा 150 किलोमीटर एंड एबव, हमारा वोल्टेज का लेवल एबव 100 किलो वोल्ट, ठीक है। तो यह है, इसको आप ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद रखिएगा, अगले यूनिट में फिर से इसको हम लोग रिमेम्बर करेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशंस क्या होता है, मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशंस क्या होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस क्या होता है। यूनिट 4 में है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशंस में कैपेसिटिव इफेक्ट का वैल्यू 0 होता है। एक मिनट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशंस में कैपेसिटिव इफेक्ट का वैल्यू 0 होता है। नो कैपेसिटेंस तो चार्जिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। चार्जिंग करंट मतलब कि यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बन रहा है, तो इसमें एक करंट फॉर्म होगा, फ्लो करेगा IC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट। तो जब हमारा कैपेसिटेंस नहीं रहेगा तो चार्जिंग करंट भी नहीं रहेगा, जब हमारा कैपेसिटेंस रहेगा तभी जाकर चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में चूंकि वोल्टेज का लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए हम लोग नो कैपेसिटेंस फॉर्मेशंस पे उसको ट्रीट करते हैं, और चार्जिंग करंट का वैल्यू भी उसमें नहीं रहेगा क्योंकि कैपेसिटेंस ही नहीं रहेगा। मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशंस में हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट काउंट होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस में हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट काउंट होता है, और मीडियम और लॉन्ग में ही हमारा फेरांटी इफेक्ट काउज होता है, शॉर्ट में हमारा फेरांटी इफेक्ट काउज नहीं होता है। मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन क्यों इसमें काउंट होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस ज़्यादा डेवलप्ड होता है, कैपेसिटेंस आर इफेक्टेड एंड चार्जिंग करंट फ्लो, और उस केस में हमारा चार्जिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो नो लोड और लाइट लोड कंडीशंस में, जब हमारा सिस्टम नो लोड पे, देखिए ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर सेंडिंग इन वोल्टेज है, यहाँ पर रिसीविंग इन वोल्टेज है, सेंडिंग इन के वोल्टेज के पैरेलल एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, तो यह पैरेलल है तो इसका भी कैपेसिटेंस के पास जो वोल्टेज डेवलप होगा VS, सेंडिंग इन बराबर होगा। यहाँ पर अगर लोड के पास हमारा VR है, तो यह VR के पैरेलल यह कैपेसिटेंस फॉर्म है, तो यह हमारा VR जो वोल्टेज होगा यह कैपेसिटेंस के पैरेलल है, इसलिए दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो जब हमारा नो लोड कंडीशंस में, मतलब कि लोड नहीं है, यह हमारा कौन कंडीशंस में हम लोग काउंट कर रहे हैं, नो लोड कंडीशंस, तो नो लोड कंडीशंस रहेगा तो IR मतलब कि रिसीविंग इंड करंट, IR मतलब हमारा क्या हो जाएगा, रिसीविंग इंड करंट। तो जब यह लोड नहीं होगा, मतलब कि ओपन सर्किट होगा,
तो IR का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली जब हमारा ओपन सर्किट होगा तो सोर्स करंट का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। तो नो लोड और लाइट लोड कंडीशंस में IR का भी वैल्यू जीरो होगा, IS का भी वैल्यू जीरो होगा, प्रेजेंट क्या रहेगा, IC2 और IC1। IC2 और IC1 हमारा कैसा करंट है, चार्जिंग करंट। यह हमारा R और XL लाइन का रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस किसके बीच में, लाइन टू न्यूट्रल कहिए या लाइन टू लाइन कहिए या लाइन टू ग्राउंड कहिए, ठीक है। तो हमारा जो होगा नो लोड और लाइट लोड कंडीशंस में IR बराबर जीरो हो जाएगा, IS बराबर जीरो हो जाएगा, ओनली क्या प्रेजेंट रहेगा, चार्जिंग करंट। एंड दीज चार्जिंग करंट एग्जिस्ट द ड्रॉप ऑफ R एंड XL। अब देखो यहाँ से सोर्स करंट जीरो हो रहा है, तो इधर से सोर्स करंट जीरो हो रहा है, लेकिन यह IC2 चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें इस कैपेसिटर में IC2 है, इस कैपेसिटर में IC1 है, और इधर कोई करंट नहीं जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू KCL जब यहाँ लगाओगे तो यह करंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, ध्यान देना यहाँ, यह करंट का मैग्नीट्यूड जीरो है। तो IC1 इधर से आया, तो इधर से इस सिस्टम में हमारा कौन करंट फ्लो करेगा, IC1, मतलब कि IC1 R में भी जा रहा है और IC1 XL में भी जा रहा है, और यह IC1 हमारा कैसा करंट है, चार्जिंग करंट, यह कह सकते हो कैपेसिटिव करंट, और यह चार्जिंग करंट और कैपेसिटिव करंट किस में फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर में। और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में जो करंट होता है कैसा नेचर का होता है, लीडिंग नेचर का होता है। तो वह बोला जा रहा है दीज चार्जिंग करंट एग्जिस्ट द ड्रॉप ऑफ R एंड XL, मतलब कि अगर हम लोग VR निकालें तो IC1R हो जाएगा, और अगर VXL निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, IC1 into XL, ठीक है। और यह IC1 कैसा नेचर का है, लीडिंग नेचर का है, ठीक है। यह IC1 कैसा नेचर का है, लीडिंग नेचर का, बिकॉज लाइन हमारा ओपन है, तो सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग इन करंट दोनों जीरो होगा, केवल करंट कैसा करंट फ्लो कर रहा है, चार्जिंग करंट, और वही चार्जिंग करंट लाइन में फ्लो करेगा, और चार्जिंग करंट हमारा कैसा नेचर का होता है, कैपेसिटिव करंट कहलाता है, और कैपेसिटिव करंट हमारा कैसा रहता है, लीडिंग नेचर का रहता है, ठीक है। तो IC1XL ड्रॉप इन फेज विथ सेंडिंग इन वोल्टेज, IC1XL हमारा जो ड्रॉप इज इन फेज होगा विथ सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज के फेज में हमारा क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। अब फेजर आते हैं, हम लोग VR को क्या दे दिए, रेफरेंस फेजर, VR इज टेकन एज रेफरेंस फेजर, और रेफरेंस में हमारा क्या होता है, VR एंगल जीरो, जिसको लिख सकते हैं VR 1+j0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में VR एंगल जीरो, क्योंकि रेफरेंस जब हम लोग मानते हैं तो उसको एक स्ट्रेट लाइन रेफरेंस एंगल जीरो के जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। IS बराबर IR बराबर जीरो, IS भी हमारा जीरो है, IR भी जीरो है, यह दोनों जीरो क्यों हुआ, क्योंकि लाइन हमारा कैसा है, ओपन सर्किट है या लाइटली लोडिंग है। तो जब दोनों IS और IR जीरो है, लेकिन सर्किट में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, चार्जिंग करंट, तो ओनली चार्जिंग करंट फ्लो, केवल चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है सिस्टम में, ठीक है। अब आते हैं VS बराबर VR, अब तुमको KVL लगा देना है, तो KVL लगा दो, देखो ध्यान से KVL लगा, इस लूप में KVL लगाओ, देखो ध्यान से ऐसे घूम जाओ KVL, तो यहाँ का वोल्टेज VS है, तो VS बराबर VR, यहाँ का रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप VR, और यह इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप XL, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR सेंडिंग इन वोल्टेज, तो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज VR, यह रिसीविंग इन वोल्टेज हो गया, प्लस रेजिस्टिव ड्रॉप जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, यह रेजिस्टेंस में, प्लस इंडक्टिव ड्रॉप जो इंडक्टेंस में ड्रॉप हो रहा है इसमें, और यह दोनों में ड्रॉप किसके कारण हो रहा है, चार्जिंग करंट IC1 के कारण, और IC1 हमारा कहाँ फ्लो कर रहा है, यह कैपेसिटिव करंट में, क्यों, क्योंकि IR का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर IR का वैल्यू जीरो नहीं होता तो यह चार्जिंग करंट यहाँ फ्लो नहीं करता, यहाँ हमारा मेन करंट फ्लो करता जो कि लोड करंट के जैसा ट्रीट करता, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं VS बराबर VR IC1R, IC1R यहाँ लिखे थे अभी IC1R, ठीक है, प्लस JIC1XL, प्लस चूंकि IC1XL है और XL बराबर क्या हो जाएगा, J ओमेगा है, तो JIC1XL यह लिख दिया गया। अब देखो यहाँ से यह वाला लाइन, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए बाद आते हैं, अब यहाँ से IC1 कॉमन ले लेते हैं, तो IC1 कॉमन ले लेंगे तो देखिए वह इक्वेशन आएगा VS बराबर VR प्लस IC1 R प्लस JXL, IC1 कॉमन ले लो, IC1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बच्चा, R प्लस JXL, यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR आ गया। अब
अब IC1 का वैल्यू निकालना है। IC1 कहाँ फ्लो कर रहा है, देखिए रिसीविंग इन वोल्टेज हमारा क्या है, रिसीविंग इन पे। तो IC1 हमारा कैसा करंट है, लीडिंग करंट। लीडिंग करंट क्यों है, क्योंकि यह कैपेसिटेंस में फ्लो कर रहा है। तो अब देखो यह हमारा IC1 करंट है, IC1 करंट है, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या है VR। तो IC1 निकालो, तो VR बराबर V बराबर क्या होगा I into X, ठीक है I into X। अब IC1 है तो IC1 into XC1, तो VR बराबर IC1 XC1 बराबर क्या होगा 1/j ωC, ठीक है, तो 1/j ωC, तो यहाँ पर हो गया, तो IC1 बराबर क्या हो जाएगा j VR ωC हो जाएगा। देख लो यहाँ पर IC1 बराबर क्या हो जाएगा, IC1 इधर से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो IC1 बराबर j VR ωC, IC1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा j VR ωC, क्लियर है, उल्टा लिख दिए XC1 बराबर 1/j ωC, सॉरी यहाँ j ωC, ठीक है। तो IC1 बराबर क्या हो जाएगा j VR ωC, यहाँ पर देखिए IC1 बराबर VR बटा में 1/ωC। अब यह ωC ऊपर चला गया तो j VR ωC। अब IC1 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर IC1 का वैल्यू हमारा आ गया क्या j VR ωC। तो IC1 का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए j VR ωC, और R+jXL को एज इट इज छोड़ दिया गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट तोड़ कर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो VS हो गया, यहाँ VR हो गया। अब j VR ωCR, अब j² VR ω² CL हो गया। अब j² का वैल्यू क्या होता है, j² बराबर क्या होता है -1, नेटवर्क में पढ़े होगे, ठीक है। j हमारा एक तरह का ऑपरेटर है, तो j² का वैल्यू क्या हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ से VS बराबर VR प्लस j VR ωCR माइनस VR ω² CR, वेयर VR हमारा क्या है, रिसीविंग इन वोल्टेज, यह हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज। अब नाउ फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग जानते हैं कि पावर ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, उसके बाद किसका वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का, और उसके बाद किसका वैल्यू होता है इंडक्टेंस का। मतलब कि पावर ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस इज वेरी लेस देन इंडक्टेंस। और जब कोई भी छोटा चीज होगा तो वी कैन नेग्लेक्ट, और उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो VS हो गया। अब यहाँ VR, तो R का वैल्यू को नेग्लेक्ट किए, R→0 किए, तो यह 0, तो यह वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, बचा क्या VS बराबर VR माइनस VR ω² CL। अब VS बराबर VR माइनस VR ω² CL, यहाँ से VR यही छोड़ देते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो VS प्लस VR ω² CL। अब देखो यह इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, कौन वोल्टेज बड़ा है कौन वोल्टेज छोटा है। देखो अगर यह 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो वह किसके बराबर होगा, VS के बराबर। सपोज दैट कि 1 वोल्ट यह हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हुआ, तो VR का वैल्यू क्या हो गया 11 किलो वोल्ट, और VS का वैल्यू क्या हो गया 10 किलो वोल्ट। तो देखो VR का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है किससे, VS से बड़ा हो जा रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव इफेक्ट है फेरांटी इफेक्ट का। दिस इक्वेशन शोज दैट द VR इज ग्रेटर देन VS, और यही इक्वेशन हमारा शोज करता है कि VR का वैल्यू बड़ा हो जाता है VS से, क्लियर है। अब इसका फेजर बना लीजिए, चूंकि VR यह हो गया रिसीविंग इन वोल्टेज, यह हमारा VR है, VR पे कैसा करंट जा रहा है IC1, तो IC1 कैसा करंट होगा लीडिंग करंट, तो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अब यही IC1 रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो इसी के पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा रेजिस्टिव ड्रॉप, तो IC1R। अब यह जो IC1R फ्लो कर रहा है, यह IC1 जो करंट फ्लो कर रहा है, ये भी XL में भी जा रहा है, और इसी के कारण यह XL, यह जो VXL आ रहा है, यह फेज अपोजिशन आ रहा है रिसीविंग इन के। तो देखो एक इधर गया तो दूसरा इधर आ गया। अब इसको यह हेड और हेड को मिला दिया हमारा रिजल्टेंट, तो यह क्या आ गया VS। अब फेजर से इक्वेशंस लिख लो, तो VR बराबर IC1R, सॉरी VS बराबर, देखो VS बराबर VR प्लस IC1R प्लस IC1XL। देखो आ गया VS बराबर VR प्लस IC1R प्लस IC1XL, J कर दो क्योंकि J हमारा एक ऑपरेटर रहेगा, तो आ गया।
तो यह हमारा फेजर हुआ, और फेरांटी इफेक्ट में यह फेजर डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, पहला है कि फेरांटी इफेक्ट अगर 4 मार्क्स में है तो केवल थ्योरी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर 6 मार्क्स में है तो थ्योरी के साथ साथ इसको डेराइव भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब हमारा फेरांटी इफेक्ट 6 मार्क्स में आए तो थ्योरी के साथ साथ इसको डिराइव करना पड़ेगा। इस तरह का सर्किट आगे यूनिट जो 1, 2, 3, 4 यूनिट 4th में आएगा, जिसमें कि इसको हम लोग नॉमिनल पाई मेथड बोलते हैं, आगे नॉमिनल टी मेथड भी आएगा, सब बताएंगे, सबका डेरिवेशंस कैसे कैसे होता है सब करेंगे। चूंकि यहाँ पर फेरांटी इफेक्ट आ गया था इसलिए इसको बताना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यह कंडीशंस हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कब, जब हमारा IR का वैल्यू क्या हो, 0। और IR का वैल्यू 0 कब होगा, जब लोड नहीं रहेगा, और जब लोड नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो लोड कंडीशंस, या हल्का लोड है तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटली लोडेड कंडीशंस। और फेरांटी इफेक्ट हमेशा काम वर्क करता है, हमेशा फेरांटी इफेक्ट का जो डेरिवेशंस किया गया है या जो लॉ है वह लॉ ही वैलिड है नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशंस में। और नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशंस में हमेशा सिस्टम में एक चार्जिंग करंट फ्लो करता है, वह चार्जिंग करंट कैपेसिटेंस के कारण फ्लो करेगा, और वही चार्जिंग करंट लाइन में फ्लो करने लगता है। यह हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यह R और XL किसका यह है, यह हमारा TR लाइन है, TR लाइन ट्रांसमिशन लाइन है, और इसी के कारण हमारा फेज ऑपोजिशन डेवलप होता है, और फेज ऑपोजिशन के कारण हमारा VR का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है VS से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है जिसको याद रखिएगा, अगर आप डेरिवेशंस कर रहे हो तो पहले तो यह इक्वेशंस लिखिए, और इस इक्वेशंस में IC1 फाइंड करिए। IC1 कहाँ आपको फ्लो कर रहा है, यह रिसीविंग इन कैपेसिटेंस में, तो IC1 फाइंड करने के लिए IC1 लीडिंग करंट होगा। लीडिंग करंट क्यों होगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस में करंट जा रहा है, और IC1 बराबर VR बटा में 1/ωC, VR बटा में 1/ωC, क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस XL बराबर क्या होता है, XL बराबर jωL अच्छी तरह से जानते हैं, और XC बराबर क्या होता है, 1/jωC। ठीक है, तो V बराबर I into Z करेंगे तो Z का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, 1/jωC। ठीक है, 1/jωC, तो IC1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, jωC हो जाएगा, और IC1 बराबर क्या हो जाएगा V into ωC, और यहाँ J एक ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, तो यह इक्वेशंस को एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए खुद से बना के, और यह आपका एक तरह का फेजर डायग्राम है फेरांटी इफेक्ट का, फेजर डायग्राम ऑफ फेरांटी इफेक्ट। यहाँ से यह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एकदम 100% प्रेजेंट रहेगा, चाहे तो शॉर्ट नोट्स में आए, चाहे तो 4 मार्क्स में आए। 4 मार्क्स में आएगा, केवल थ्योरी लिखना है, फेजर बनाना है, सर्किट बनाना चाहते हो तो बना दो। ठीक है, 6 मार्क्स में है, फेजर के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशंस करना ही होगा, तभी जाकर 6 मार्क्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। अगला लेक्चर्स आपको प्रॉक्सिमेटी इफेक्ट बचा हुआ, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग डील कर लेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आई होप इस यूनिट का अगला लेक्चर जो होगा लास्ट लेक्चर्स होगा, और उसके बाद हम लोग कोई अदर यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू।